आज संडे है और संडे को हम लोग मनिहारी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। क्या रितेश जी? सर कहाँ चल रहे हैं हम लोग? मनिहारी की तरफ निकले हैं। सुने हैं कि गोगा बिल की तरफ कुछ पक्षी आए हुए हैं जो कि साइबेरिया की तरफ से आते हैं। देखते हैं आज कुछ पक्षियों का दर्शन करते हैं। और रास्ता तो मनोरम बन गया है, हाईवे जो बना है नेशनल हाईवे। आज हम लोग के ग्रुप में एक नए आदमी शामिल हुए हैं, नव विवाहित। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पक्षी की तलाश में हम लोग चल रहे हैं और ये एकदम नया रास्ता है। थोड़ी देर के बाद आपको फ्लाईओवर मिलेगा। मनिहारी से गंगा जल भी लाएंगे। हाँ, मनिहारी से थोड़ा गंगा जल भी हम लोग लाएंगे। यही है गोगा बिल झील का इलाका। एक वृहद इलाके में फैला हुआ ये झील, जहाँ पक्षी आते हैं साइबेरिया से, जो कि नॉर्थ पोल की तरफ है, और इतनी दूरी तय करके पक्षी यहाँ आते हैं। ये बिहार का एक कोना, कटिहार जिले का एक हिस्सा। हाल में बिहार के वन्य विभाग ने इसे चिन्हित किया है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना है, लेकिन जो कार्य है वो अभी भी बहुत धीमा है। सड़क सैंक्शन हो गई है, जो अप्रोचिंग रोड है झील के पास तक के लिए, और वो सड़क बनाई जानी है। लेट्स सी कि जिस जगह अभी हम चल रहे हैं यही वो सड़क होगा। और ऐसा विरले ही देखने को मिलता है कि धरती के दूसरे कोने से पक्षी इस इलाके में आते हैं। उन्हें ज़रूर इस इलाके से लगाव है या एक कल्चर बन जाता है उनके जीवन शैली का, और इसलिए इस जगह को अगर सैलानियों के लिए डेवलप करने की कोशिश की जाए तो आने वाले दिनों में ये अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। अब कहाँ पक्षी आता है? पहले तो है कुल में करीब भर जाते रहे। अच्छा, अब कम आता है? पहले से कम आता है। ये रोड यही होगा, यहाँ जहाँ खड़े हम लोग यही रोड बनेगा? रोड तो देखा भगवान कृपा कहिया बनी, मर जाए तबे बनी की का हल्ला तो होता है। 10-20 वर्ष से 20 वर्ष से हो रहा है। 20 बरस से हल्ला हो रहा है तब का आशा है बनने का? अब बनेगा कि क्या होगा भगवान जाने। अब हम लोग जा रहे हैं, जो नया ब्रिज बन रहा है ना साहेबगंज का, उसी के पैरेलल हम लोग जा रहे हैं मनिहारी घाट का, जहाँ मैंने गंगा का जहाँ से शुरुआत होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल जहाँ तक ये ब्रिज, ऐसे तो ये 7 किलोमीटर लंबी ये ब्रिज बनेगी, लेकिन उसके साइड लाइन से जो रोड है हम लगभग 5 किलोमीटर तक पहुँचेंगे जहाँ पे गंगा शुरू हो जाएगी। तो ये जो कटिहार और साहबगंज, मनिहारी और साहबगंज को जोड़ता हुआ पुल है, उसके अंतिम छोर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, गंगा ब्रिज। और यहां से जो कुछ पिलर्स हैं, तकरीबन 8 या 10 पिलर, वो उस तरफ महादेवगंज को जोड़ता है, और वहीं से ये अभी जहाज आ रहा है जिसपे कई सारे ट्रक्स हैं। कितना दिन में लगता है कि काम कर देगा भाई? अंदाज लगता है कुछ? 1 साल? टाइम लगेगा दो साल। यहाँ हालांकि इंजीनियर्स बताएंगे असली बात, लेकिन जिस तरह से काम की प्रगति है उस हिसाब से अंदाजा लगता है। मछली आता है उसमें? मिलता है मछली? आता है, छोड़ देते हैं। कई गो पोल बाकी है? दो। इधर दो है? दो। बस दो नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा पूरा पोल, मैंने पूरा पिलर कंप्लीट। ये वाला एरिया कौन पड़ेगा? ये अभी ये झारखंड में है। हम लोग अभी झारखंड में हैं। ए रितेश जी, हम लोग अभी झारखंड में हैं। महादेवगंज वाला महादेवगंज है वो। तो जहाज आ रही है, कौन सी उसमें उतरेगा? यही पर उतरेगा, यही पर लगाएगा। उसमें क्या क्या आएगा? इसमें 20 आएगा। क्या? 20 का होता है दारू? 20 दारू थोड़ी है का? ऐसा सब गिट्टी रहेगा। अच्छा, गिट्टी है। अब 20, 50, 40 इसमें दारू के नाम था ना? नहीं नहीं। आप देख रहे हैं सामने ये जो एक लॉन्च आ रही है, लॉन्च ही कहते हैं ना इसको, जहाज आ रही है
छोटी सी जहाज, और इसमें ब्लास्ट भरा हुआ है। ब्लास्ट मतलब गिट्टी, गिट्टी यही ना, उसी का 40 बोलते हैं। 40 इसका नाम है, 40 40 से लोडेड है। और ये इस साइड जितनी ट्रक देख रहे हैं, ये ट्रक में ये लोड होगा ये ब्लास्ट। तो ये जो बन रहा है देख रहे हो, कितना पिलर और है ये तो हमको पता नहीं है। तो क्या पता है तुमको, तुम यही रहता है, खेती करता है, मालूम है नहीं? नहीं, हम तो कभी कभी आ जाते हैं खेत में। कहाँ से?